नमस्कार, एक और नई वीडियो पे आपका स्वागत है दिल से सफ़र की। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग गाड़ी रखते हैं, दो पहिया वाहन रखते हैं, साइकिल रखते हैं, कुछ भी रखते हैं और ट्रैवल करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये टायर। इसी के ऊपर हमारी गाड़ी की टोटल डिपेंडेंसी होती है। जैसे हमारे पैर, वैसे गाड़ी के टायर। तो टायर में अगर वीराने में आप कहीं फंस जाओ, न बंदा न बंदे की जात 50 किलोमीटर दूर तक, न बंदा न बंदे की जात 50 किलोमीटर इधर तक, और इन टायरों की हवा निकल जाए और पंचर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल फ्लैटन अप हो जाए, तो आप क्या करेंगे ऐसी जगह पे? बताइए क्या करेंगे। हम बताते हैं क्या करेंगे। एक चीज़ ईजाद हुई है, उसका नाम है टायर इन्फ्लेटर। मैनुअल आते हैं पैर से हवा भरने वाले, और फिर ऑटोमेटिक आते हैं डीसी वाले, और एक आते हैं बैटरी ऑपरेटेड। तो हमने एक चीज़ ली है जिसको हम दिखाते हैं, जो कि बजट सेगमेंट में आती है, गाड़ी के करंट से करंट लेती है, 12 वॉट का उसमें वो है, ठीक है जी। अभी ली है और इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ यहीं होने वाली है। मतलब खोल चुका हूँ मैं, अभी तक यूज़ नहीं करी है, गाड़ी धुला के लाए हैं। अभी गुड़िया हमारी शूटिंग कर रही है और हम लोग जो हैं कल केदारनाथ निकलने वाले हैं। केदारनाथ की पूरी सीरीज़ आपके सामने आएगी, इसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो पूरा प्रिपरेशन है। आके दिखाइए इधर, आइए देखो, ये पूरी प्रिपरेशन है। ये कैंपिंग चेयर्स हैं, कैंपिंग है, चूल्हा है, गैस है, टेबल है, सब कुछ है, लगेज इसमें कल आएगा। तो पकड़िए इसको, दिखाइए एक मिनट। तो ये है वो टायर इन्फ्लेटर जिसकी हम बात कर रहे थे। इधर आओ, दिखाओ। ये टायर इन्फ्लेटर गो मैकेनिक का है, जो कार सर्विस के लिए पहले फेमस थी, वो अपने प्रोडक्ट्स भी निकालने लगी है। तो ये गो मैकेनिक का टायर इन्फ्लेटर जो है करंट वाला है, ना बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, ना ही मैनुअल है। पकड़ना मोबाइल, चलो अब। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसको आगे वाले टायर में भर के देखेंगे, पहले इसमें थोड़ी हवा निकालें। अब हवा निकाल के देखते हैं, कम। अभी हम इसकी हवा निकाल रहे हैं, लाइव टेस्टिंग होगी। अंदर से कुछ बिल्ट इसकी ऐसी है, बिल्ट क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, और ये इसका पाइप है जिससे हवा भरी जाएगी, ठीक है जी। और ये है इसका 12 वोल्ट वाला, जो कि आपका गाड़ी में लगेगा। पूरी वायर है, क्वालिटी डिसेंट इनफ है, ठीक है जी। टूसा का और फलाना ढिकाना का आता है 3-4 हज़ार रुपये का। तो ये बजट में, इसका प्राइस मैं बिल्कुल आपको एंड में बताऊंगा ये हमको कितने रुपये का पड़ा। वायर की लेंथ ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि ये चारों टायर के लिए बना होता है। ये टायर, इसकी टायर इन्फ्लेटर की पूरी जो है वायर है, जो कि अंदर जाएगी गाड़ी में, और ये जो है इसमें जाएगी। तो पहले इसको, खड़े हो जाओ, पहले हम इसको गाड़ी में लगा के देखेंगे, ठीक है। इसकी वायर अंदर करते हैं 12 वोल्ट की, इसमें करंट लेते हैं, और गाड़ी को चालू रह के ही इसको आप ऑन करिएगा, नहीं तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। पहले अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। रुकिए, गाड़ी ऑन भी करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे यहीं रखिए, रुकना। ठीक है जी, तो 12 वोल्ट वाला जो आपका ये सिगरेट वाला होता है ना, इसमें आपको लगाना है। ये हमारी गाड़ी में पीछे भी है, एक बार पीछे वाला दरवाज़ा खोल के दिखा देना। ये देखिए, ये दिखाओ, ये देखिए, इधर से दिखाइए, ये दिख रहा है 12 वोल्ट वाला। इसमें आप इसको कर दीजिए अंदर और अपनी गाड़ी को चालू कर दीजिए। गाड़ी चालू है, ठीक है, गाड़ी हमने चालू कर दी है, गाड़ी हमने चालू कर दिया। और ये देखिए, इसकी LED वगैरह सब कुछ जल गई है। इसकी टायर की पहले हवा देख लेते हैं कितनी है, कितना PSI है, फिर उसके बाद हवा निकालेंगे, और कम होगी तो डायरेक्ट भरेंगे। चलो दिखाइए, सब कुछ लाइव चल रहा है आपके सामने भैया। इसका ये है ऊपर का ऑन ऑफ का है, इसको लगा के निकालते हैं अच्छे से। कोशिश करते हैं कि इसको फ्लैट कर दें पूरा। आवाज सुनाइए आगे, आवाज सुनाइए टायर के पास आगे। अभी हम इसकी हवा निकाल रहे हैं पूरी,
पूरा फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो जब हम बनाते हैं तो टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, थोड़ा दूर लेके जाना। ऐसी चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी रात बिरात फैमिली में दिन में अपने टूर पे कहीं फंस गए तो आपको यही चीज़ें जो इमरजेंसी में आपको निकाल के लाएंगी। पीछे लेके जाओ कैमरा, और टायर और फ्लैट होता जा रहा है। हवा निकलती हुई दिख रही है, हवा कम हो रही है। ये देखिए अभी हमने इसकी हवा कितनी निकाल दी है, और निकालते हैं। मैं अपनी वॉच दिखाऊंगा तो आप वॉच दिखाना कैमरे में, ठीक है। देखिए तो हमने आपके सामने लाइव टेस्टिंग चल रही है, कोई इसमें कट पेस्ट नहीं है। हमने टायर फ्लैट एनअप कर दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट एनअप, ठीक है। और ये चारों टायर फुल अप हैं, पर्याप्त मात्रा में हवा है। अब आप एक केस सिनेरियो पकड़िए कि जंगल में या कहीं पहाड़ों पर आपकी हवा निकल गई और फ्लैट हो गया, और आपके पास ये साधन है। कितने रुपये का है वो मैं भी बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। पकड़िए, देखिए, आइए दिखाइए आपको क्या करना है। इसको अंदर लगाना है 12 वोल्ट में, इंजन स्टार्ट है। इसको इसमें लगा के जैसे ही आप ऑन करेंगे, ये देखिए 4 PSI पे आ गई है, सिर्फ 4 PSI रह गई हवा, बिल्कुल ऑलमोस्ट पंचर के बराबर, ठीक है। और हम इसको ऑन करते ही अपना टाइम नोट करेंगे और आपको दिखाएंगे लाइव, लाइव चलेगा सब कुछ दर्शकों, ठीक है जी। और यहाँ से प्लस से हम सेट करेंगे कितनी चाहिए हमें 33 चाहिए, ठीक है, हमें 33 चाहिए। अब हम इसको बटन को ऑन कर देंगे। टाइम कितना हो रहा है वॉच एक बार ओके करना, 6:04, और हमारी गुड़िया की घड़ी में हो रहा है 6:03, ठीक है। तो इस गुड़िया वाली को पकड़ते हैं, 6:03 को पकड़ते हैं, ठीक है। 6:03, खूबसूरत सा माहौल है और इसकी आवाज़ अच्छी खासी है, तेज। तो इसने फटाफट 14 पे लेके आ गए और टायर थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हुआ है। पकड़िए, ये फटाफट से 15 पे लेके आ गया कुछ ही सेकंड में। देख रहे हैं इसकी पावर और इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो। इंजन चालू है, बिना इंजन के मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा बैटरी लोड ले जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। टायर तो भर जाएगा, गाड़ी लोड ले जाएगी। 17.5 पे आ चुकी है, और मान लीजिए कि आप रात बिरात, दिखाओ ना मुझे, मान लीजिए कि आप रात बिरात जंगल में फंस गए, रात में पहाड़ों में फंस गए, हाईवे पे फंस गए, अंधेरा हो रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ इसके पीछे दी हुई है, लाइट। आप लाइट से किसी को भी आप इंडिकेशन दे सकते हैं। वैसे तो कार की लाइट भी जला सकते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो यही है, नहीं तो आप कार लाइट से, इसकी LED लाइट है, दिस इज़ LED लाइट, LED लाइट से आप किसी को भी इंडिकेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, जो गाड़ी खड़ी हुई है, और अच्छी खासी इसकी आवाज़ है। अब देखते हैं कितना हो गया, तो अभी ये 22.5 हो चुका है। टाइम दिखाइए, हो रहा है 6:05, सिर्फ 2 मिनट्स हुए हैं और ये 23.5 पे पहुंच चुका है, 23.5 पे। इतनी महंगी महंगी चीज़ें जब इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों, तब हमें लगता है कि शायद हमने छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी होती। तो ये सब चीज़ें लेके रखनी चाहिए आपको लाइफ में, और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये गो मैकेनिक का लिया है। रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखी, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसे बहुत सारे भाइयों ने वीडियो बनाई थी अपना टाइम और एनर्जी देके, और उनके वीडियो को मैंने लाइक किया था। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आपका खुद का चैनल दिल से सफ़र। ये हमारी गुड़िया देखो कहाँ खेल रही है मिट्टी में, कम। अब देखिए ये 28.5 पे आ चुका है, वॉच दिखाइए, 6:06, 3 मिनट हुए हैं, सिर्फ 3 मिनट में ये 29.5 पे आ चुका है।
मैं कुछ वीडियो काटूंगा नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, सब कुछ लाइव चलेगा इसमें, क्योंकि ये होने वाला है। और आगे वाले में मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने पीछे वाले 12 वॉट वाले सॉकेट में लगा दिया था। जैसे ही लगाएंगे आप, तो आपके सॉकेट में लाइट जल जाएगी। और इसके टायर की लेंथ अच्छी खासी है, जो चारों टायरों में आपका पहुंचा सकती है। क्यों ना कम, अब देखते हैं जैसे ये 33 होगा क्या ये अपने आप बंद हो जाएगा। कैमरा देख, ये देखिए जैसे ये 23 हुआ अपने आप बंद हुआ, और थोड़ी बहुत हवा कम दिखाता है, 31 PSI। तीन मिनट में पीछे लेके जाओ कैमरा, सिर्फ 3 मिनट में 4 PSI से 33 PSI पे लेके आ गया है। वॉट अ परफॉर्मेंस। जैसे आप इसको बंद करेंगे, इसको बाहर निकालिए, और थोड़ी सी हीट हुई है मशीन, क्योंकि मोटर है, ठीक है जी। और अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, जब तक गाड़ी ऑफ करते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी चल रहा है और इसकी मोटर भी थोड़ी सी इग्नाइट हुई है, और जो सारे ही टायर इन्फ्लेटर होते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो हवा हमारे टायर में दोबारा से फुल अप हो चुकी है, और अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी। आइए, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके कीप इट, ठीक है जी। यहाँ पर इसका पाइप आ जाता है जिससे हवा भरते हैं, और यहाँ पर इसकी पूरी वायर आ जाती है, जिसको कि आप फोल्ड कर सकते हैं। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं इसकी, और पूरा सेटअप कर दिया हमने वापस से, और इसके डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात है कि इसको आपको 10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है, 10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको चारों टायर, आपके दो टायर में पंचर हो गया है, कुछ हो गया है, तो आपको इसे जो है 5 मिनट का गैप देना है, और उसके बाद दोबारा से यूज़ करना है। दूसरा इसका डूज है कि आप गाड़ी की बैटरी, कार ऑन करके इसको चलाइए, नहीं तो गाड़ी की बैटरी बोल जाएगी, ठीक है जी। तीसरा ये है कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा बजट वाला है, और महंगे महंगे 3000 वाले आते हैं, अमेज़ॉन बेसिक्स, पोर्ट्रॉनिक, MI का तो बैटरी वाला है, एक ट्यूसा का आता है जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है। ये हमारे बॉक्स उठा लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये है गो मैकेनिक का मॉडल नंबर गस्टो T10, और इसकी MRP कहीं लिखी है इसमें, हाँ ये देखिए, ये MRP लिखी है 2499, ठीक है। अब हमें ये कितने का पड़ा, इस पर डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। किसी का एक का वीडियो देखा था, तो उसमें 1600-1700 रुपये बताए थे, अभी ये हमको जो पड़ा है वो पड़ा है एग्जैक्ट 1199 रुपये का, 1199 रुपये का ये हमको पड़ा है अमेज़ॉन से। तो फाइनली हमने आपको पूरा टेस्टिंग और सब कुछ बता दिया है। पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, गो मैकेनिक वाले मुझे कुछ दे नहीं रहे, और हमारे चैनल की कंडीशन भी अभी इस तरीके की नहीं है जिसको ये हमको बड़े बड़े ब्रांड आके हमको स्पॉन्सर करें। ख़रीदा है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि ये बजट में 1100-1200 कभी कभी 1300 रुपये में, सेल में कभी कभी 900 रुपये का भी चला जाता है, उसमें बहुत बेस्ट चीज़ है, मस्ट हैव चीज़ है। कार में एसेसरीज़ कुछ रखें ना रखें, परफ्यूम रखें ना रखें, ठीक है जी, म्यूज़िक प्लेयर बड़ा वाला अच्छा रखें और ना रखें, वो शौक की बात है, ये नेसेसिटी है, इसको रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये गो मैकेनिक का है, मंगाइए, अमेज़ॉन पे है और फ्लिपकार्ट पे है, और बाकी इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में देंगे। और 4 PSI से 33 PSI इसने सिर्फ 3 मिनट में भर दी थी, 10 मिनट से ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, कार को बिना इंजन ऑन किए ऑफ इंजन पे चलाना नहीं है, और 10 मिनट से ज़्यादा चलाना नहीं है, चलाना है अगर दोनों तीनों टायरों में भरनी है तो मिनिमम इसको 5 मिनट का गैप देना है, इसमें मोटर है, ठंडा रहने देना है इसको, उसके बाद चलाना है, ठीक है जी। तो ये था कुछ गो मैकेनिक टायर इन्फ्लेटर का रिव्यू, क्योंकि हमारा चैनल दिल से सफ़र, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्यूशन चीज़ें, जन्नत दिखाना और रास्ते दिखाने से लेकर है। और ये जो आप हाफ हाफ फेस देख रहे हो, ये हमारी गुड़िया का, ऐसे हाय, ठीक है, ओके। तो ऐसा था कुछ आज का VA व्लॉग, और ये चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप एक मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।